बैंक का गठन ही देश को लूटने और डुबाने के लिए किया गया था। अब ये जो भारत में बोले ना, गोबर खाओ और गौमूत्र पियो, ये ऐसे मूर्ख लोग हैं, पता नहीं इनको तो कहां पहुंचना चाहिए। और झूठ बोल करके प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गिर रही है। और राजधानी दिल्ली में भी हमारा भाईचारा, जीवन चक्र, मैंने देखा, मैं भी जमुना पार था, जिंदा जलाए गए लोग। हमारे देश के कानून का पालन, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सलवार में भागने वाला सलवारी बाबा रामदेव का कॉलेज भी नहीं करता है का। यस बैंक को खोलने की अनुमति क्यों दी गई? वो कौन तंत्र था जो निजी बैंकों को खुलवा करके देश को लूटने लुटवाने का षड्यंत्र कर रहा था? गजेंद्र जी, यस बैंक का गठन ही देश को लूटने और डुबाने के लिए किया गया था। आपको मालूम है 2003 में नवंबर में यस बैंक का स्थापना की गई और जनवरी 2004 से ये अस्तित्व में आया और 2020 में डूब गया। तो इसको लाने वाले भी वही हैं जिनके राज में डूब रहा है। आप समझ रहे हैं ना, पहला प्रधानमंत्री है भारत का जिसका जिसके राज में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर इस्तीफा दे रहे हैं और ठीक बैंक डूबते इस्तीफा देते हैं। खेल क्या है इसको समझना पड़ेगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको मुझे लगता है कि हम दूसरे तरीके से समझें। भारत के लोगों को स्वप्न दिखाया जाता है कि निजीकरण बहुत अच्छे देश के फायदे और लाभ के लिए होते हैं। इससे पहले एक और बैंक डूबा, उसका नाम है पंजाब महाराष्ट्र बैंक। आपको मालूम है कि नहीं, पीएमसी। उसके खाता धारकों में कई लोगों की जान चली गई, कईयों ने आत्महत्या कर ली। एक तो एयरलाइन से रिटायर्ड आदमी था, बीआरएस लेकर के 90 लाख रुपए थे उसके जमा, उपचार के लिए पैसे नहीं मिल पाए, उसको जान गंवानी पड़ी। और अब ये यस बैंक का मसला है। इसको थोड़ा और पीछे हम लेकर चलते हैं। हमारे देश में हाउसिंग सेक्टर में अमरपाली, राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ नोएडा का किस्सा है। अमरपाली के 16 प्रोजेक्ट डूब गए। उसने भारत के मकानों की चाहत रखने वाले 52,000 लोगों से मकानों के फ्लैट के पैसे वसूले। हमारे सैकड़ों गांव के किसानों की जमीनें छीन कर सरकारी संस्थाओं से मिलकर के उनको भूमिहीन बनाया। और लेकिन वो 52,000 फ्लैट दे पाने में सफल नहीं रहा। सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में एक और व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उस संज्ञान लिया उस मसले पर और सरकार से कहा कि सरकार जिम्मेदारी ले और सरकारी संस्थान आज उन 52,000 फ्लैटों के निर्माण करके उसके जो ग्राहक हैं, फ्लैट के खरीदार हैं, उनको आपूर्ति कराने का काम कर रहा है। अगर निजी संस्थान बहुत बढ़िया हैं तो आम्रपाली डूबा क्यों? और अगर सरकारी संस्थान निकम्मे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थान को फ्लैट बनाने का आदेश दिया क्यों? यस बैंक को, निजी बैंक को खोलने की अनुमति क्यों तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दी थी और आज जब वो मनमोहन सिंह जी सरकार भी बीच में पार कर चुकी है और अब सरकार आ गई किसकी? नरेंद्र मोदी की। और दूसरे कार्यकाल में यस बैंक डूब जाता है, अब उसे कहा जा रहा है इसे स्टेट बैंक गोद लेगा। ये बड़ा समझना पड़ेगा आपको। भारत में भारत को लूटने के लिए भारत के सरकारी संस्थानों को निजी कंपनियों के हवाले करने वाले कंपनियों के एजेंटों का ये खेल है। भारत को, भारतीयों को भारत में भारतीय व्यवस्था के तहत लुटवाने का काम यह कंपनी एजेंटों का खेल है। क्या मतलब था जब हमारे देश में पहले से ही राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक बड़ी कतार है? क्या जरूरत थी आपको यस बैंक को लाइसेंस देने की? इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके सामने और उदाहरण देता हूँ, ये मसला इतना छोटा नहीं है। हमारे देश में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इनका एक निजी मेडिकल कॉलेज है उत्तराखंड में। मैं रोचक बात आपको बताना चाहता हूं, न केवल बैंकों में लूटा जा रहा है, न केवल हाउसिंग सेक्टर के नाम पर लूटा जा रहा है, पर शिक्षण संस्थाओं के नाम पर कैसे लूटा जा रहा बताता हूं। एक ललित मोहन तिवारी हैं जो छात्र है निकला हुआ मेडिकल कॉलेज से। उत्तराखंड के निजी मेडिकल कॉलेजों ने, आयुष मेडिकल कॉलेज, उसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का, बाबा रामदेव का, हरबंश कपूर का, ये बड़े बड़े जो देता है, उनके निजी कॉलेजों ने 80,000 की फीस को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया। नैनीताल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 2018 में अक्टूबर में फैसला दिया और क्या कहा कि ये बढ़ी हुई फीस गलत है, गैरवाजिब है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, कोई बढ़ी हुई फीस जो आपने वसूली है वो वापस की जानी चाहिए।
रमेश पोखरियाल निशंकर बाबा रामदेव के कॉलेज के तरफ से नैनीताल हाई कोर्ट में उस सिंगल बेंच के जज के फैसले को चुनौती दी गई और डबल बेंच ने भी इनके खिलाफ फैसला दिया। ये अक्टूबर का डेट है, वो पहले का था, 3 महीने पहले का। और आदेश हुआ, 1 साल हो गया, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 2019 में उत्तराखंड के आयुष के छात्र देहरादून में धरने पर बैठे 1 महीने से ज़्यादा। और क्या हुआ आप जानकर हैरान होंगे, कंटेम्प्ट फाइल की गई छात्रों की तरफ से 2 मार्च को डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मंत्री का, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल को कोर्ट नैनीताल हाई कोर्ट अरेस्ट कर देती है, गिरफ्तार 2 मार्च को, और इस शर्त पर छोड़ जाता है कि 3 तारीख को डायरेक्टर आएगा। सर दो मीडिया मैं मैं मैं, मैं 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 आ रहा हूँ और 2 तारीख की बजाय 3 तारीख को डायरेक्टर आता है। और डायरेक्टर आने के बाद क्या खेल हुआ ये ईश्वर जानता है, अदालत में बैठे जज जानते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी पिटीशन में, कंटेम्प्ट फाइल की गई पिटीशन में त्रुटि है, बच्चों से गलती है हुई कि 7-8 विद्यार्थियों के पक्ष में फैसले आए थे और किसी गजेंद्र गलती से एक बच्चे की जगह दूसरे बच्चे का सर्टिफिकेट उस पिटीशन में लग चुका था, जिसके लिए अदालत कह सकती थी कि इसको आप बदल दो। और इतनी सी गलती बताकर जिसमें प्रिंसिपल को हाउस अरेस्ट पर गिरफ्तार किया गया वहां कोर्ट के अंदर, और उसके बाद उनकी जो अवमानना याचिका थी वो खारिज कर दी जाती है, अवमानना याचिका खारिज कर दी जाती है, है ना। अब आप समझ रहे हैं, वो छात्र, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हमारे देश के अदालती आदेश का पालन, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कॉलेज भी नहीं करता है, हमारे देश के कानून का पालन, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सलवार में भागने वाला सलवारी बाबा रामदेव का कॉलेज भी नहीं करता है। और हमारे देश के जो तौर तरीके हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके हैं, उनका पालन ये संघीय सरकार भी नहीं करती है। हमारे देश के अंदर बैंकों का, निजी बैंकों का खोलने का मामला हो, निजी शिक्षण संस्थानों का मामला हो, और देश के तमाम सरकारी संस्थानों को निजी कंपनियों का बेचने का मामला हो, ये सारा का सारा कार्यक्रम और सारी कार्यवाही तभी ज़्यादा होती है जब संघ की सरकार सत्ता में पहुँचती है। ये देख कर इतिहास आप उठा कर देखिए। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारत को लूटने के लिए भारतवासियों को, जिन बच्चों के, जो बच्चे वहां स्कूलों में फीस भर रहे हैं 80,000 की जगह 2.5 लाख, वो मेरे देश के किसान मजदूरों के बच्चे हैं, आदिवासी दलित मछुआरों के बच्चे हैं, वो भूमिहीनों के बच्चे हैं, वो इनके निजी संस्थानों में पढ़ रहे हैं। और आप समझ लो कि अदालत के आदेश का पालन भी केंद्रीय मंत्री नहीं करता हो तो हमको सोचना पड़ेगा। मैं इसलिए है, आप लोग जो अभी बात कर रहे कि जब यस बैंक को जांच यह होनी चाहिए, वह कौन सी व्यवस्था थी, हमारे देश में पहले ही अंबार लगा हुआ है बैंकों का, यस बैंक को खोलने की अनुमति क्यों दी गई, वो कौन तंत्र था जो निजी बैंकों को खुलवा करके देश को लूटने या लुटवाने का षड्यंत्र कर रहा था। और जब देशवासी आपको सिर्फ न केवल खाताधारी बर्बाद होगा, यस बैंक की कतार में लग गए, आपको मालूम है कि नहीं, यस बैंक के शेयर बाजार में 85% कीमत गिर जाने से जिन लोग अलग से निवेशक थे उनकी भी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी का अर्थ ज्ञान तो बहुत जबरदस्त है, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हमारे देश के रुपए की कीमत 22% गिर चुकी है। क्या क्या नहीं गिर रहा है, हमारे देश की विकास दर 1.5% पर आ चुकी है, हमारे देश की रुपए की रफ्तार बड़ी पैमाने पर गिर रही है, और झूठ बोल करके प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गिर रही है, और राजधानी दिल्ली में भी हमारा भाईचारा जीवन चक्र, मैंने देखा, मैं भी जमुना पार था, जिंदा जलाए गए लोग, मैंने देखा किस तरीके से चुन चुन कर मस्जिदों को और खास करके मुसलमानों की संपत्तियों को जलाया गया, ये भी हमने देखा। हमारी राजधानी दिल्ली में भी गंगा जमुना तहजीब भी खत्म की जा रही है। क्या बच रहा है देश के अंदर, बैंकों में जमा करने खाता धारकों के पैसे नहीं बच रहे, बाबा साहब की अध्यक्षता में बना संविधान नहीं बच रहा है, देश में व्यापार नहीं बच रहे, जो सरकारी संस्था नीलाम किए जा रहे हैं वो नहीं बच रहे, जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगार भी आत्महत्या कर रहे हैं, वो सिलसिला नहीं रुक पा रहा है, और सीमा पर भी चीन ने कब्जा कर लिया, और अब तो एक और स्थिति आ गई है। हम तो ये कहते हैं चीन से इंपोर्ट करके कोरोना वायरस और लाया गया है, अभी तो पहले कोरोना वायरस
रस आया है, अब होली आने वाली है, होली में पूरा गुलाल भी कहां से आएगा, चीन से बना हुआ आएगा, ताकि हर घर घर में कोरोना फैल जाए और फिर उसके उपचार की दवा भी, ये जो भारत में बोले ना गोबर खाओ और गौमूत्र पियो, ये ऐसे मूर्ख लोग हैं, पता नहीं इनको तो कहां पहुंचना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना के साथ साथ, रोग के साथ साथ अभी तो पिचकारी और गुलाल आया है, उसके साथ कोरोना आएगा और बाद में चीन से फिर हम कोरोना के उपचार की दवा भी लेने वाले हैं, देश वहां जा रहा है। सर अभी खबरें आ रही हैं कि जब यस बैंक पे प्रतिबंध लगा तो उस आप तरीके से बात कर लिया हो बाहरी नाथिंग के पास तो कर आगे के लिए ध्यान रखो। सर जो यस बैंक में उससे एक दिन ही पहले 264 करोड़ रुपए गुजरात की कंपनी ने कैश निकाला था। पहले से देखिए भारत के अंदर यह कहा गया है, जब नोटबंदी का मसला उठाया गया था तो कहा गया कि काला धन आएगा, लेकिन बैंकों की कतार में 140 ज्यादा लोगों की जिनकी जाने गई, उनमें एक भी धनवान आदमी नहीं गया, मरने वाले सबसे ज्यादा संख्या हमारे देश के गरीबों की थी। और अभी भी यस बैंक से डूबा, यस बैंक डूबा, इसमें भी जो बड़े लोग हैं जो डुबाने वाले, क्यों निकाला गुजरात, हर घोटाला गुजरात से क्यों होता है, देश में कब कब क्या क्या करना है, कैसे कैसे लुटाना डुबाना है, इसकी पटकथा रंगा बिल्ला जो दो गुजरात से आए हुआ एक तड़ी पार और एक फर्जी डिग्री वाला चौकीदार, ये दोनों तय करते हैं कि कहां किसको डुबाना है, किसको लूटना, किसको लुटवाना है, इसकी पटकथा लिखी गई है। इस बैंक को डुबाया जा रहा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आप बैंकों की, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की आप संख्या कम कर रहे हैं तो निजी बैंकों को खोलने की अनुमति आपको किसने दी थी, समझ रहे हैं, ये सवाल है जी। सर साउथ में दो चैनलों को एक दिन के लिए बंद किया गया, कैसे देखते हैं सर मीडिया पे प्रतिबंध? बिल्कुल प्रतिबंध, हमने तो कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सोशल मीडिया का त्याग करता हूं, हमने कहा खबरदार अपने अहंकार अपनी गुंडागर्दी का त्याग करके हमारे देश के मीडिया को जो आपने बाउंडेड बना रखा है इसको स्वतंत्र करो, इसे छोड़ो, ये परिणति आपके सामने है जी।